नमस्ते फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में 20 चैनल फुल्ली डिजिटल रिमोट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और अलग अलग रिमोट सिस्टम को मैं दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। अभी तक आपने जो रिमोट सिस्टम देखा है उसमें रिमोट डिजिटल रहता है पर रिसीवर नहीं रहता है। तो अभी आज के वीडियो में जो फुल्ली डिजिटल रिमोट और रिसीवर सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। और फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं ये 20 चैनल वाला फुल्ली डिजिटल रिमोट सिस्टम है। रिमोट भी डिजिटल वाला है और रिसीवर भी डिजिटल वाला है। जैसे देख सकते हैं, 1, 2, 3 मैंने सेट किया है और इसमें टेस्ट इंडिकेटर लगा है। 1 नंबर बटन दबाता है, 1 नंबर शुरू हो जाता है, 2 और ये 3 ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं जैसे हम उसको प्रोग्रामिंग करेंगे। और ये ऑल वाली बटन है तो इसको प्रेस करते हैं तो तीनों के तीनों शुरू हो जाते हैं। ये फुल्ली डिजिटल है और अभी तक हमारा जो रिमोट सिस्टम था उसमें हमको पेयरिंग अलग अलग चेंज करना पड़ता था। तो इसमें कैसा है, इसको मैं निकाल देता हूँ। जैसे ये जो रिसीवर है इसको यदि हमें 2 नंबर 3 नंबर पे हमें चेंज करना है तो एकदम सिंपल है। जैसे देख सकते हैं, मैं इसमें बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये नंबर को इसकी काउंटिंग बढ़ रही है और इस वाले से कम होती है। मतलब हम इजीली उसको किसी भी नंबर पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 8 नंबर या 2 नंबर, इसको 2 नंबर पे शिफ्ट करना है तो मैं इसको इजीली 2 नंबर पे शिफ्ट कर पाऊँगा। देखिए 2 नंबर पे शिफ्ट हो गया। इसको चेंज करना है तो इसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए 4 नंबर 5 नंबर जैसे चाहिए, 2 नंबर पे चाहिए तो इसको भी मैं 2 नंबर पे सेट कर सकता हूँ। मैंने इसका और ये हमारे पास इंडिकेटर मिल जाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे सारे के सारे 2 नंबर पे सेट किया है मैंने तो इसमें 2 नंबर की बटन को मैं रिमोट पे ला के इसको प्रेस करता हूँ, देखिए सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 नंबर पे सेट हो गए हैं। और इसको ऑल करना है तो ऑल वाली बटन भी जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देखिए सभी के सभी एक्टिवेट हो गए हैं। तो इस तरह से हम इसको फुल्ली डिजिटल रिमोट को किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, पेयरिंग प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर पे इसको करना है, इसको 2 नंबर पे और इसको 1 नंबर पे करना है तो 1, 2, 3 पे कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, इजी है। और आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें 9 वोल्ट बैटरी लगाने के लिए कंपार्टमेंट है तो यहाँ बैटरी लग जाता है। टेलीस्कोपिक एंटीना है, इतना बड़ा एंटीना है। फुल्ली डिजिटल होने के कारण हमें पेयरिंग प्रोग्रामिंग करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, एकदम ईजी है। इसके बटन वाली बटन से ज़्यादा होता है और इधर वाले बटन से कम होता है तो एकदम सिंपल है, बढ़िया है। 20 रिसीवर्स रहते हैं इसमें, 20 रिसीवर रहते हैं और एक रिमोट रहता है। जैसे कि मैंने बताया फुल्ली डिजिटल है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नंबर नहीं रहेगा। देखिए इसके ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है, जो भी नंबर है हमें इसमें बटन को प्रेस करके हम उसको नंबर को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो बढ़िया है इसमें। यदि 20 चैनल वाला सिंपल वाला लेते हैं तो उसमें नंबर रहता है और हमें बार बार देखना पड़ता है भैया हमारे रिमोट की बटन कौन सी हमको प्रेस करना है। पर इसमें जैसे कि मैंने बताया इसमें डिजिटल रहता है, फुल्ली डिजिटल रहता है। जैसे ये अभी इसको मैं 10 नंबर पर सेट कर देता हूँ। जैसे ये 10 नंबर पर सेट हो गया और रिमोट के ऊपर 10 नंबर लाना भी एकदम सिंपल है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो 10 नंबर आ गया, इसको प्रेस करता हूँ, देखिए 10 नंबर शुरू हो गया है। यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया है, सिंपल है। इसके बाद में टेस्ट इंडिकेटर आ जाता है और ये इस तरह से फुल्ली डिजिटल वाला रहता है। ये हमारे पास मिल जाता है होलसेल रेट में और ये कैश ऑन डिलीवरी पे भी अवेलेबल है तो इसको लेके इवेंट को बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ में इस तरह से फ्लाइट केस बॉक्स आता है, सूटकेस सामान आता है जिसे ब्रीफकेस रहता है उस तरह से रहता है। ये क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है और एक जगह पे सारे सामान रिसीवर रिमोट आ जाते हैं तो सामान एक ही इसमें आ रहने से प्रोटेक्ट रहते हैं, टूट फूट नहीं होते तो बढ़िया है। ये होलसेल रेट में मिल जाता है। और यदि ये पायरो आपको इसको लगाना है तो इसके ऊपर चिपका सकते हैं पायरो, या अलग से इस तरह से स्टैंड आता है एंगुलर स्टैंड, जैसे कि हम इसको लूज़ करके हम इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करके हम इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फुल्ली डिजिटल। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया मैंने। और हमारे पास बहुत सारे रिमोट सिस्टम मिल जाते हैं। हमारे पास 1 चैनल 1 रिमोट से शुरुआत होती है, 20 चैनल वाला फुल्ली डिजिटल है, 24 और 36 ये डबल रिमोट के साथ में मिलता है। जैसे आप 24 चैनल वाला लेते हैं तो उसमें भी 2 रिमोट आएंगे और बाकी सारे मैं इसमें दिखा देता हूँ, चार्जिंग वाले कुछ विदाउट चार्जिंग वाले। ये जो अभी मैं आपको मटेरियल दिखाऊंगा वो सारा कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगा आपको। 50% पेमेंट आपको पहले करना होगा और 50% जब पार्सल मिलेगा तो कुरियर वाले को देना होगा। तो चलो एक एक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पायरो से। बेसिकली मैंने जो मशीन दिखाई है वो पायरो यूज़ करने के लिए होता है। ये कोल्ड पायरो इम्पोर्टेड क्वालिटी का पायरो होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से बॉक्स आता है और इसको मैं खोल कर दिखा देता हूँ। देखिए इसके ऊपर लिखा है बेस्ट स्मोकलेस कोल्ड फाउंटेन, इसमें थोड़ा सा स्मोक आ रहा है। क्वालिटी एकदम बढ़िया है, जैसे देख सकते हैं पैकिंग। और ये ऊपर वाला पार्ट है, सिल्वर वाला ऊपर रहता है और रेड वाला नीचे रहता है। क्वालिटी एकदम बढ़िया है। 35 सेकंड इसका टाइमिंग रहता है और हाइट 3 मीटर रहती है तो बढ़िया है। एक बॉक्स में 6 पीस आते हैं और ये इम्पोर्टेड क्वालिटी होने के कारण इसका रिजल्ट बढ़िया रहता है। तो ये कोल्ड पायरो मिल जाएंगे जो कि इम्पोर्टेड क्वालिटी के हैं। 8 चैनल में 6 मॉडल अवेलेबल है। जैसे देख सकते हैं ये वाला, ये हैप्पीनेस ब्रांड वाला है,
जो कि 8 चैनल दो रिमोट, इसमें भी 8 चैनल दो रिमोट रहेंगे, इसमें भी 8 चैनल दो रिमोट, इसमें भी 8 चैनल दो रिमोट, सभी में दो रिमोट रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसे। अब देख सकते हैं इस तरह से एक नया मॉडल हैप्पीनेस ब्रांड वाला। तो इसमें डबल बैटरी सपोर्ट है, आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं या 9 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो कनेक्टर दिख रहा है, इसमें 1.5, ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, और बाकी इसमें ट्रिपल ए साइज़ की 4 बैटरी लगा सकते हैं। तो देखिए कि इसमें एक जो बैटरी इंडिकेशन दिख रहा है, लो बैटरी इंडिकेटर है, और इसको पेयरिंग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कंपनी की ओर से इसमें दो रिमोट आता है, टेलीस्कोपिक एंटीना है, और इसमें इसमें 8 रिसीवर और 2 रिमोट, इस तरह से सेट आता है। तो ये हो गया एक वाला, एक पहला मॉडल, तो इसको बाजू में रख देते हैं। ये दूसरा मॉडल है, ये सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ये A to Z जो भी इवेंट रहेंगे, मतलब बलून ब्लास्ट में हो गए, सभी में काम करेगा। ये स्लिम वाला मॉडल रहता है, इसमें 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगती है, डबल ए साइज़ वाली 4 बैटरी लगती है, और 8 रिसीवर और 2 रिमोट। रिमोट आप देखेंगे तो इसमें एक बटन रहती है, इसमें 4 बटन रहती है। तो ये हो गया दूसरा मॉडल, ये यूनिवर्सल है, ये सभी में A to Z बलून, पायरो, स्मोक टेल्स और हीटिंग फ्यूज़ में भी काम करेगा। ये एकमात्र ऐसा यूनिट है जो हीटिंग फ्यूज़ में काम करेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये वाला मॉडल आता है जिसको कि चार्जिंग वाला बोलते हैं। 8 रिसीवर रहेंगे, 2 रिमोट रहेंगे और चार्जर रहेगा इसके साथ में। देखिए कंपनी की ओर से इस तरह से पैकिंग आती है। ये सारा आपको COD पे, कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगा। इस तरह फ्लाइट केस बॉक्स आता है, और इसमें देखेंगे 2 रिमोट हैं, 8 रिसीवर है, एक चार्जर है, केबल है, इस तरह से आएगा। ये भी COD पे मिल जाएगा आपको। तो ये 8 चैनल हो गया। इसी तरह 12 चैनल वाला भी आता है। फ्रेंड्स ये BD8 मॉडल है और ये D8 मॉडल है। D8 मॉडल सेम टू सेम रहता है, इसमें भी इस तरह से 2 रिमोट रहेंगे, और इसमें सिर्फ चार्जर केबल नहीं रहेगा, 9 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगेंगी। सेम टू सेम है, फ्लाइट केस बॉक्स के साथ में आएगा, 8 रिसीवर 2 रिमोट। ये BD मॉडल है इसलिए इसके अंदर बैटरी और चार्जर इनबिल्ट रहता है, इसके साथ में आता है, इसमें बैटरी चार्ज नहीं मिलेगी, ये 9 वोल्ट पे चलेगा। तो ये हो गया 8 चैनल वाला। फ्रेंड्स 8 चैनल के बाद में 10 चैनल वाला आता है, जैसे आप देख सकते हैं ये 10 चैनल वाला है। इस साइड में 5 रिसीवर है, इस साइड में 5 रिसीवर है और एक रिमोट है। आप देख सकते हैं इस तरह से रिमोट है, 1 से लेकर 12 नंबर तक जिसमें डिजिट है। 1 प्रेस करेंगे तो 1 शुरू हो जाएगा, 10वां प्रेस करेंगे तो 10 शुरू हो जाएंगे, 11 और 12 नंबर ऑल वाली बटन पे शुरू हो जाएंगे। इसका मैं रिसीवर आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से रिसीवर आता है, जैसे 1 नंबर का रिसीवर है, इसमें लो बैटरी का इंडिकेटर रहता है, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें ट्रिपल ए साइज़ की 4 बैटरी लगती है। ये भी मिल जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया, ये भी COD पे अवेलेबल है, और ये हो गया 10 चैनल वाला। 10 चैनल वाला सूटकेस में आता है, मतलब ये बॉक्स में आता है। फ्रेंड्स 12 चैनल में बहुत सारे मॉडल आते हैं, तो सबसे कम में बढ़िया वाला मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं ऐसे सूटकेस सामान बॉक्स में आता है, और इसमें 12 रिसीवर और 2 रिमोट रहते हैं, और ड्यूअल बैटरी सपोर्ट है। तो इसको दिखा देता हूँ मैं, जिसे आप देख सकते हैं, इसको खोल के देखते हैं। तो इसमें एक रिमोट आएगा जिसमें कि 4 बटन है, उसके बाद में दूसरा जो एक रिमोट आएगा इसमें 15 बटन रहेंगी, इसमें सीक्वेंस वाले भी हैं, एक एक नंबर से लेके 12 नंबर तक बटन है। ए मतलब ऑल वाली है, यस मतलब सीक्वेंस वाली है। ये ऐसे 2 रिमोट इसके साथ में आएंगे, और 12 रिसीवर है, जैसे देख सकते हैं ये 6 रिसीवर और इधर 6 रिसीवर। एक दिखा देता हूँ मैं, ये 6 नंबर का है, और आप देख सकते हैं इसमें टेलीस्कोपिक एंटीना है, और इसमें डबल बैटरी सपोर्ट है, 9 वोल्ट बैटरी और 1.5 वोल्ट बैटरी, 2 बैटरी इसमें, दोनों बैटरी का में से कोई भी बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा है, बढ़िया है, और सबसे कम दाम में आता है। ये भी आपको COD पे मिल जाएगा। COD का कंडीशन ऐसा है कि 50% आपको पहले पेमेंट करना होगा, और रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको कुरियर वाले को देना होगा जब पार्सल आपको मिलेगा। इस तरह से अपना कंडीशन रहेगा। तो ये हो गया 12 चैनल का सबसे बढ़िया मॉडल, जो कि बॉक्स में आता है, कम दाम में आता है, और देखिए एकदम बढ़िया है, इसमें बैटरी लो का भी इंडिकेटर है। तो ये 12 चैनल वाला हो गया। फ्रेंड्स ये 12 चैनल का N12 सीरीज है, जिसमें कि 2 मॉडल आते हैं। तो ये पहला जो मॉडल है इसमें डबल रिमोट रहता है, जैसे देख सकते पहला रिमोट है जिसमें कि 1 से लेकर 12 नंबर तक 1 बाय 1 बटन है, और ये वाली जो मास्टर बटन है इससे ऑल वाला एक्टिवेट हो जाता है। 12 रिसीवर है, ये यूनिवर्सल सिस्टम है, मतलब ये बलून में, पायरों में, सभी में काम करेगा, हीटिंग स्पेशली हीटिंग फ्यूज में भी ये काम करेगा। तो 12 रिसीवर के साथ में AN12 ये मॉडल आता है। इससे AN12 का और एक मॉडल आता है जिसमें आप देखेंगे, इसको खोल कर देखने पे इस तरह से एक रिमोट आता है
जिसमें 15 बटन रहती है, ऑल वाली बटन रहती है और सीक्वेंस वाली भी बटन रहती है, 15 बटन रहती है। ये एक रिमोट हो गया, उसके साथ में दूसरा रिमोट आता है जिसमें ABCD 4 बटन रहती है। ये दो रिमोट मिलते हैं, तो कभी ये रिमोट खराब हो जाता है तो ये रिमोट से भी आप काम कर सकते हैं और दो अलग अलग लोकेशन में ले जाते हैं। प्रोग्राम दो अलग अलग लोकेशन में है तो आप एक रिमोट से आधा सिस्टम लेके जा सकते हैं और इसको आधा सिस्टम ले जाके इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दो रिमोट होने से फायदा हो जाता है, ये भी हमारे पास COD में मिल जाता है। नेक्स्ट वाला देखेंगे E12 मॉडल नंबर है। E12 मॉडल नंबर में क्या हो जाता है, 9 वोल्ट की बैटरी लगती है और इसमें दो रिमोट रहते हैं। इसको खोल कर मैं दिखा देता हूँ। इसमें 12 जैसे आप देख सकते हैं ये वाला रिमोट रहेगा और उसके बाद में बैकअप वाला ये रिमोट रहेगा। हमारे पास जो भी आप सिस्टम लोगे उसमें दो रिमोट रहते हैं, मैक्सिमम हम दो रिमोट देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कभी रिमोट खराब हो जाएगा तो आपको दो रिमोट मिलेंगे। इसमें देखेंगे तो एक 9 वोल्ट की बैटरी लगती है और E12 मॉडल है, जैसे आप देख सकते हैं ये 11 नंबर है और ये 12 नंबर है। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी विथ ड्यूअल रिमोट, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी वाला E12 जो मॉडल है उसमें दो रिमोट रहते हैं। हमारा जो भी रिमोट सिस्टम रहता है हम उसमें दो रिमोट देने की हमारे हम जो भी रिमोट सिस्टम देते हैं उसमें डबल रिमोट रहता ही रहता है मैक्सिमम कंडीशन में। नेक्स्ट जो रिमोट सिस्टम है इसका मॉडल नंबर है BD12। इसमें 12 रिसीवर रहेंगे, रिमोट रहेगा दो और चार्जर केबल के साथ में फ्लाइट केस बॉक्स में आएगा। जैसे देख सकते हैं ये फ्लाइट केस बॉक्स में आएगा, इसमें 12 रिसीवर है, चार्जर है, चार्जर का एक केबल है और रिमोट है दो। देखिए इतने सारे आएंगे, इसमें चार्जर इनबिल्ट बैटरी रहती है इसके कारण हमें चार्ज करके इसको यूज़ करना है। यदि इसके अंदर की बैटरी ख़राब हो जाती है तो बैटरी मिल जाएंगी, चार्जर मिल जाएगा, केबल, ये रिमोट कुछ भी आपका ख़राब हो जाता है, मिस हो जाता है, फ्लाइट के बॉक्स भी टूट जाता है तो ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेयर मिल जाता है और ये भी हमारे पास COD पे अवेलेबल है। नेक्स्ट आप रिमोट सिस्टम देख रहे हैं, इस तरह से बॉक्स में आता है और इसमें भी डबल रिमोट रहता है। ये एडवांस वाला है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें दो मॉडल आते हैं, 1.5 वोल्ट बैटरी वाला और 9 वोल्ट बैटरी वाला। इसको इस तरह से बॉक्स आता है, थोड़ा सा अलग बॉक्स रहता है, E12 टाइप में आता है ये और इसमें दो रिमोट रहते हैं। तो देख सकते हैं इसमें दो रिमोट रहते हैं, जैसे अब ये वाला रिमोट है इसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर रहते हैं 1x1 और ऑल वाली और सीक्वेंस वाली बटन रहती है। दूसरा रिमोट रहता है जिसमें ABCD वाली बटन रहती है और हम रिसीवर को हम खोल के देखते हैं तो देख सकते हैं इसमें 12 नंबर का है। इसमें बैटरी लो का भी इंडिकेटर रहता है और इसमें टेलीस्कोपिक एंटीना है और यहाँ पे हम देखेंगे तो खोल के देखते हैं तो यहाँ पे डबल ए साइज़ की दो सेल लगेंगे। इसमें डबल ए साइज़ के दो सेल लगते हैं इसके अंदर, तो ये एक मॉडल हो गया है जिसमें कि सेल लगेंगे और ये दो रिमोट रहेंगे। खोल के देखते हैं तो इसमें भी दो रिमोट रहते हैं और जैसे एक इसमें 15 बटन रहती है, इसमें भी 4 बटन रहती है, ये दूसरा वाला हो गया। और इसको रिसीवर देखते हैं, सेम टू सेम रिसीवर है, इसमें टेलीस्कोपिक एंटीना है, बैटरी लो का इंडिकेटर है। जैसे हमारे 9 वोल्ट की बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे हम इसको खोल कर देख लेते हैं, जैसे इसको खोल कर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। ये जो मैंने सिस्टम दिखाया इसमें 9 वोल्ट बैटरी, देखिए बैटरी का कनेक्शन है और ये जो मैंने आपको दिखाया इसमें सेल का कंडीशन है। देखिए दोनों सेम टू सेम है, पर इस पहले वाला जो रिमोट सिस्टम है इसमें सेल लगती है और इसमें बैटरी लगती है, दोनों बेसिकली सेम है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए या सेल चाहिए, दोनों मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। ये भी आपको COD पे मिल जाता है, कंडीशन मैंने आपको पहले बताया। तो ये दोनों सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। अभी लास्ट एक बचा है 20 चैनल वाला, ये देख सकते हैं 20 चैनल वाला है, इसको मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। 20 चैनल रिमोट सिस्टम में क्या हो जाता है, ये 20 रिसीवर्स रहते हैं, जैसे देख सकते हैं ये 20 नंबर का है और इधर का खोल के देखते हैं तो एक नंबर का है। तो इसको दिखा देता हूँ मैं, इसमें डबल बैटरी सपोर्ट है, आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है 9 वोल्ट को बैटरी को लगाने के लिए है और यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं ये ट्रिपल ए साइज़ की 4 बैटरी लगती है 1.5 वोल्ट वाली, तो दो बैटरी का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात मतलब इसमें दो रिमोट रहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें T20 में ही पहला मॉडल आप देख रहे हैं जिसमें कि दो रिमोट रहते हैं। इसमें एक बटन रहती है जो कि मास्टर वाली बटन है और इसमें एक डिजिटल वाला रिमोट रहता है। तो इस तरह से हमारे पास मिल जाता है, ये भी हमारे पास COD पे मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारा मैंने आपको मॉडल दिखा दिया, जो भी आपको चाहिए उसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके हमें चैटिंग कर सकते हैं और सारा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको सारे रिमोट सिस्टम दिखा दिया ऑलमोस्ट, बचे हुए कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बचे हुए रिमोट सिस्टम है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और ये सबसे बढ़िया है, ज़बरदस्त है, ये 20 चैनल वाला है जिसमें कि रिमोट और रिसीवर फुली डिजिटल रहता है, ये यूजर फ्रेंडली है,
एक पेयरिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें आसान हो जाता है, ये भी हमारे पास सारा मिल जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि बहुत सारे रिमोट सिस्टम को आपको दिखाना था। ये सारे हमारे पास मिल जाएंगे, COD पे मिल जाएंगे। 50% आपको पेमेंट पहले करना होगा, 50% आपको बाद में देना होगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक वीडियो में मैक्सिमम कवर कर दिया है। जो बचे हैं रिमोट सिस्टम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाया गया कुछ भी मटेरियल आपको परचेस करना है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमसे चैट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कैटलॉग की लिंक दे दूंगा जहां से फोटो वीडियो देख सकते हैं और ऑर्डर बुक भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल सकता है। 50% आपको पेमेंट पहले करना होगा, 50% आप जब पार्सल आपको डिलीवर्ड हो जाएगा तो कुरियर वाले को देना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।